الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وامامنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم افرأيتم اللات والعزى وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محترم حاضرين ومكرم ناظرين كتاب التوحيد کا بیسواں باب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين यो सैर असान तो अबून बड़ा अहमुनवान है कि साल के, के तल्ल से सालीन की कबरों में गुलू करना उनबरों को बुत बना देता है जिनकी अल्लाह के अलावा पड़िश होने लगती है यानी खबरों में गलू करना कबरों को बुत बनाए जाने का सबब है कब्र की हैसियत बुत की हो जाती है अहम बाब है इस बाप का मकसद ये है कि उम्मते मुस्लिमा को कब्र के फितने से बचना ज़रूरी है, हैलू करना कब्र परस्ती का ज़रिया है अगर कब्र के अंदर गलू किया जाने लगे तो समझो वो क़ब्र बुत बन गई और क़ब्र को सजदगा बनाने से जो मना किया गया है उसकी इल्लत पर उसकी वजह पर साहब किताब हमें और आपको मतनवा करना चाहते हैं और वो है क़ब्र का फितना ताकि उम्मत शरक की गलाजत में लतपत ना हो इमाम मालिक रहाम जैसा कि आप जानते हैं मशहूर चार इमा के दरमियान एक है बड़े पाए के मुहदिस है, हदीस के फ़न में मुतकिन हैं इमाम वाल हिजरा मदीना के इमाम हैं सन तिरानवे हिजरी में पैदा हुए एक सौ उन्नासी में इंतकाल हुआ माशा नब्बे साल की उम्र पाई और इमाम बुखारी रहमत फरमाते हैं कि सबसे सही सनद वो है जिस हदीस को इमाम मालिक रमतल नाफ़े से और नाफ़े उस हदीस को हज़रत इब्न उमर से रवायत करे और इब्न उमर से रवायत फरमाए तो ये असहुल आसानी होती सनतों में सबसे सही सनद इमाम बुखारी के नजदीक वो है जिसको इमाम मालिक नाफ़े से और वो इब्न उमर से रवायत करे इतने बड़े मुतकिल हैं इतने बड़े शिक्ह है इतने बड़े इमाम हैं उनकी हदीस में मार्केत किताब है मत् इमाम मालिक जो सही है इनके लिखे जाने से कबल कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब दुनिया की हदीस में इमाम मालिक थी इमाम मालिक रम्ल मत् में नबी सम का कौल नक़ल करते हैं अपनी सनत से उन्होंने जिक्र किया है और यह कौल अताबिन यसार का है अताबिन यसार ताबई है और वो नबी से वायदत करते हैं खाले रसलील्ला जब ताबई का है खाले रसोलम तो हदीस मुरसल आम मुहदसिन के नज़दीक मुरसल हदीस ज़ईफ़ होती बाज फ के नज़दीक मुरसल हदीस सही होती है। लेकिन ये मुरसल तो सही है ही ये मौसू सनत से नबी वसल्लम से ताबई सहबी से रवायत करे और साहबी नबी हम से रवायत करे, ये होगी मौसू मुतसिल सर तो अलहमदिल्ला यह हदीस मौसू सनत से भी आई है चुनानचे मुसनद बाज़ार में अबू सैद खुदी रजी अल्ला से और मुसनद अहमद में सही सनत से हज़रत अबू है रजी अल्लने से रवायत है बीलाम ने फरमाया क्या फरमाया सुनिए दुआ फरमाई अपनी कब्र के ताल्लुक से खास दुआ फरमाई फरमाया अल्लाह मल्ला तज अल कब्री वसन यू अब अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बना जिसकी परसिश की जाने लगी अल्लाह वसन जिसकी जब अवसान आती है ऐसे बुत को कहते हैं ऐसे मबूत को कहते हैं जो किसी ख़ास सूरत पर तराशा न गया हो जैसे कब्र इसी तरीका से दरख्त कोई खंबा, कोई दीवार कोई ही सा पत्थर जिस पर सूरत बनी ना हो जो किसी मखसूस सूरत पे ना हो उसको वसन कहते हैं। और जो किसी मखसूस सूरत पर हो इंसान की सूरत पर या जानवर की सूरत पर या सितारों की शक्ल में कोई भी हैकल हो मजस्मा हो तो उसको असराम कहते सनम यही फर्क अहरे ने किया है वैसे सनम का इतलाक वसन पर और वसन का इतलाक़ सनम पर होता है लेकिन जब दोनों एक साथ हो असनाम व वसान तो सनम वो है जो किसी सूरत पर तराशा गया हो और वसन वो है जो बेला सूरत तो खबर की चूंकि कोई खास मखसूस सूरत नहीं होती इसलिए वो वसन है अल्लाह मेरी कबर को बुत न बना वसन ना बना जिसकी परसिश जिसकी भी परस्िश अल्लाह के अलावा की जाएगी वो या तो सनम होगा या वसन होगा माशा अल्हदिल्ला अल्लाह सुबहाना हुआ तला ने अपने नबीम की दुआ कबूल फरमाई और किसी दौर में तारीख के किसी दौर में इनशा अब तक और इन शाह आइंदा भी वो कब्र वसन नहीं बन सकेगी क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई जब हुजरा नबी मस्जिद के अंदर शामिल कर लिया गया तोसी के अंदर तो भी अल्लाह रबी ने किसी दौड़ में वहां किसी को पहुंचने नहीं दिया दीवार खड़ी हो गई और बाद में शिमाली जानब से दो दीवार ऐसे और ऐसे और एक दीवार दक्षिण की तरफ से मुसलस जाविया ताकि कोई भी आदमी कहीं खड़ा हो तो कब्र की तरफ रुख ना हो तीन दीवारों के जरिए अल्लाह तला ने हजरे नबी को घिर दिया और वो कब्र अलहदल्ला पूजी नहीं गई किसी ज़माने में नहीं पूजी गई अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल छोड़ा हजरत अल्लाह अबुलजीबर रहमत लशहूर कसीदा नूनिया में कहते हैं ख्वाजा व रबुलमी दुआू व आहता बे सलासदरानी रबालमीन ने अपने नबी की दुआ खबूर फरमाई और नबी सदन की ख़बर को तीन दीवारों से घिरवा दिया किसी को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया कि वहाँ पहुँच करके वह अल्लाह की बंदगी वहाँ कर सके और यूँ वो खबर बुत बन जाए जब नबी सल्लम की खबर अगर पूजी जाए तो वो वसन और बुत बन जाएगी तो दूसरों की खबर का क्या हाल होगा वो तो बदल जोला बुत बनेंगे और कब्र में जो हजरात हैं कबूर की अगर परस्ती हो तो वो बुत बन जाएंगे हाँ अगर वो राज़ी भी रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि कोई आए हमको पूजे तब तो वो ताबूत है लेकिन उनकी मर्जी नहीं थी उन्होंने मना किया तो की दावत दी बाद वालों ने उनको पूजना शुरू कर दिया तो उनका कोई कसूर नहीं जैसे दुनिया हजरत इसम को पूछती है तेमरियम साहब को पूछती है या और दीगर अम्बिया और सालहन को पूछती है जो जिंदगी भर तो के प्रचारक रहे दायी रहे वो तागत नहीं बहरहाल अल्लाह के अलावा अगर कब्र पूजी जाए नबी सराम की कब्र पूजी जाए तो वो बुत बन जाती है और लोगों की कब्र का क्या हाल होगा लिहाजा कोई फ़र्क नहीं है कि कोई खड़े को पूजे या कोई पड़े को पूछे वो वसन है बहरहाल और इस हदीस से ने इस्तेद किया है कि अंबिया और सारीन के आसार का ततवो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम आपको बहुत अहम नुकते पर ला रहे हैं तलाश रहे हैं कि कहाँ किस नबी की खबर है कहाँ कौन बड़ा वली दफन है वहाँ जाना है वहाँ नमाज पढ़नी है वहाँ दुआ करनी है उनकी से कहाँ कहाँ लगती थी किन किन खम्बों के पास वो बैठते थे किस दरख्त के नीचे दर्श दिया करते थे तलाश रहे खोज रहे सफर के दौरान कहाँ कहाँ नमाज पढ़ते थे कहाँ सोते थे कहाँ जगते थे कहाँ इजाबत और इसका करते थे ये हुआ आसार का ततो करना यह बिदत है सलफ सालही सहाबाल फरमाए थी किसी से भी ऐसा साबित नहीं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी से एक अकेला मामला उनसे साबित है कि जब वो मदीना से मक्का जाते थे तो रास्ते में जिन जिन मकाम पर रबी सा ने नमाज पढ़ी होती थी उस जगह को उन्होंने निशान जद कर दिया था और वहां वो नमाज पढ़ा करते थे आसार का वो ततव्व नहीं जो तत्वो बादल कबूर के यहाँ है बस नमाज पढ़ते थे उन मकाम पर और किसी से साबित नहीं और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के इस अमल पर खुद उनके वालिद ने नकीर फरमाई और दीगर साहबों ने नकीर फरमाई और यह कहा कि इसी तरह की हरकत उन जगहों को बुत बना देगी या लोग प्रस्तुच करने लगेंगे तो आसार का ततव्वो नहीं करना चाहिए चुनान्च हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ने उस दरख्त को कटवा दिया जिस दरख्त के नीचे वसल्लम के हाथ पर साहब के राम ने बैत रिजवान की थी सुलहुदिया के मौके पर मालूम हुआ कि लोग वहां जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए मतबर्रक मकाम समझ रहे हैं कल को दरख्त पूछने लगेंगे हजरत उमर फ़ारूक ने कहा काट मामला ख़त्म कर दिया सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनन में जिक्र किया है सुबह बिन मारूर से शाला कलम जारी है वक्फे के बाद फिर बोलते हैं सलामकम वरह वर्क वकफे से कबल सईद बिन मंसूर की सुलन के हवाले से मैं एक वाक़ा जिक्र कर रहा था मारूर बिन सवैद कहते हैं कि अमीरमिन एक दफ़ा उमर बिन खत्ताब रजी मक्के के सफर पर थे एक मकाम पर उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई सुबह की नमाज और उसमें आपने सूर्य अलफील और सूर्य कुरैश की तिलावत खड़ो नमाज के बाद जब फारिग हुए तो देखा कि मुख्तलिफ हजरत इधर उधर जाने लगे मुख्तलिफ रास्तों में लोग जाने लगे तो पूछा आपने कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो आपसे कहा गया अमीरुल अमीन यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ नबी ने नमाज़ पढ़ी थी तो वहां ये लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने फरमाया कि अगली कौमें इसलिए हिला हो गई कि उन्होंने आसार का ततबो किया अरे अगर कोई उस रास्ते से गुजरे जहां नबी साहब ने नमाज पढ़ी है किसी वक्त की नमाज पढ़ी है और इतफाकी तौर पर आपकी नमाज का भी वक्त वहां हो जाए तो आप नमाज पढ़ लो नहीं तो एहतमाम के साथ वहां जाना दस बीस किलोमीटर हट के रास्ता बन गया है लेकिन आप बीस किलोमीटर दूर जा रहे हैं नमाज का भी वक्त नहीं है तो दो घंटा इंतज़ार करने के यहाँ नमाज पढ़ के जाएंगे यही गलू है और रफ्तार रफ्तार इंसान घुबराही की तरफ चला जाता है शैतान उसको घुबराही की तरफ ले जाता है हाँ इतफाक़ी तौर पर अगर वक्त हो गया है आप सला की नमाज़ की जगह पर तो आप नमाज़ पढ़ लो यही उन्होंने अपने बेटे हजरत अबुल्ला से भी कहा कि तुम गुजरो सफ़र के दौरान अगर इतफाक़ी नमाज का वक्त मिल गया वहां पर नमाज़ पढ़ ली तो जाते रहो जहां वक्त होगा वहां नमाज पढ़ेंगे चीज जबरदस्त बात कही गौर तो आसार का ततव्वो नहीं करना चाहिए चुनाच हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ने उस दरख्त को कटवा दिया जिस दरख्त के नीचे नबी वसल्लम के हाथ पर साहब के राम ने बैत र की थी सुलहुदिया के मौके पर माल हुआ के लोग वहां जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए मतबरक मकाम समझ रहे हैं कल को दरख्त पूछने लगेंगे हजरत तो उमर फ़ारूक ने कहा कट। और और इबन ने अपनी मगाजी में जिक्र किया है बड़ा दिलचस्प वाक्य है ये खालिद बिदींदार कहते हैं कि अबुल आलिया ने हमसे बयान किया बहुत बड़े ताबे हैं वो कहते हैं कि हमने जब तस्तुर फतह किया जो फारिस की हुकूमतों के अंदर एक छोटा शहर था तो वहाँ हुमोजान के बैतलम में एक शरीर पर देखा कि एक लाश पड़ी और फरमाइए और उसके सराहने में वो पैताने भी एक सहीफा रखा हुआ है कोई जिल्द है रखी हुई है उसको अमीर उमर बिन ख़ताब रजी के यहाँ भेजा गया और हज़रत उमर बिन ख़ताब रजी ने काब अहबार को बुलाया जो जहूद के बड़े आलिम थे ताबई है मुसलमान हुए अलहमदिल्ला अब्दुल्ला बिन सलाम रजी साहब ही थे जहूद के वही बड़े आलिम थे बड़ा ऊँचा मकाम है उनका यह काब अखबार ताबी है तर्जुमा उन्होंने अरबी जुबान में किया अबुल आलिया कहते हैं मैं पहला शख्स था जिसने अरबी ट्रांसलेशन को पढ़ा तो खालिद बिन दीनार कहते हैं कि मैंने पूछा इसमें क्या था कहा कुछ लोगों की सीरत कुछ उनके अहवाल कुछ यू तरह की बातें और कुछ जुबान और अदब की गलतियां इसमें थी कहा अच्छा वो लाश क्या थी कहा कि वो एक लाश थी कहते हैं कि दानियाल नबी की लाश थी शरीर पर रखी हुई थी अमिया की लाश तो सरती गलती नहीं क्या करते थे ये लोग उसका कहा कि ये लोग जब कहत ज्यादा होते तो मैदान में उस लाश को लेकर निकलते और दुआ करते रोते गिड़गड़ाते और बारिश बरसती ये तस्वूर था इनका इसीलिए इसको बतौर तो वसीला के रखे हुए थे दफन नहीं कर रहे थे तो मैंने पूछा कि कितने सालों की लाश थी तो जो रवायत है इसमें इसहाक़ की मगाजी में उसमें के तीन सौ साल की थी कहा कुछ बॉडी में फर्क आया था कहा नहीं सर के पिछले हिस्से में कुछ बाल की जगह जो थी वो खराब हो गई थी पिछले हिस्से में रखे रखे उस हिस्से का बाल कुछ झड़ गया था कहा फिर आप लोगों ने उस लाश का क्या किया जब फतेह किया उसको लाहौर तो कहा कि हम लोगों ने दिन में तेरे कबरे खो दी और रात में किसी एक कब्र में उस शख को दफन किया और बाकी सारी कबरों को बराबर कर दिया तेरा एक जैसी खबर है किस खबर में वो अल्लाह का मंदा है पता नहीं अल्लाकीम रहा फरमाते हैं में कि देखिए सहाबा और ताबईन ने उम्मत को फितने से बचाने के लिए किस तरीका से उस खबर के मामले को पोषीदा रखा ताकि लोग वहां फितने में न पड़े और वहां जाकर के दुआ और बरकत के हौसल की आर्जू न रखें अगर मुताखीरी बात के लोग अगर इस तरह की खबरों को पा जाए उनको पता चल जाए तो अल्लाह वहां जगह लेने के लिए दुआ करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए लोगों के दरमियान खून जाए। तो हाल यह है लोगों का हाल यह उनके अकीदे का हाल यह अल्लाह ताला खैर करे रहम फरमाए किसी ने खाब देखा कि फना जगह एक बुजुर्ग सच्चा या झूठ़ अल्लाह जने फना जगह एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं सोए हुए हैं लेटे हुए हैं उनकी खबर है वो कह रहे हैं मुझे बचाओ मेरे ऊपर से पुल बन रहा है मेरे ऊपर से सड़क बन रही है मेरे बगल से चश्मा खोदा जा रहा है बस फौरन ये बात उसने कही और फौरन दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन जाके उस जमीन को एक्वाद कर लिया और उस पर कुब्बा बना दिया अब हुकूमत भी ताक रही है अब क्या करें ओवरब्रिज कर दो लेकिन इसको नहीं तोड़ सकते लाहौल किस कदर साहब और अनसार महाजरीन ने इस कब्र के मामले को पोषिदा रखा है सिर्फ उम्मत को क़ब्र के फितने से बचाने के लिए बहरहाल ये तीन सौ साल की जो बात है अलामा इबन कसी रहमत ने भी अपनी तारीख की मशहूर किताब अलविदाया नहाय इस वाक़े को लिखा है और उस पर तारीख की है उस तो पर नोट चढ़ाया है कि अगर तीन सौ साल की बात जैसा कि मगाजी इब्न इस में है तो वो नबी नहीं हो सकता है वो कोई अल्लाह का नेक बंदा रहा होगा क्योंकि हजरत ईसा सलाम के बाद से लेकर मोहम्मद वसल्ल तक के दरमियान में कोई नबी नहीं है और ये फ़तरा हज़रत ईसा और हजरत मोहम्मद महमद्स के दरमियान का जो जकफ़ा है वो कम से कम के मुताबिक चार सौ और ज़्यादा से ज़्यादा छः सौ तक बाद लोगों ने कहा छः सौ बीस किसी ने कहा पौने छः सौ वो या चार सौ से लेकर छः सौ तक का वकफ़ा है और आप तीन सौ साल कह रहे हैं तो या तो वो कोई बंदा साले रहा होगा और या नहीं तो फिर अगर वो नबी है और दानियाल नाम के नबी गुजरे हैं अगर बनी इसराइल में से तो ये तकरीबन 700-800 साल पहले का वाक़ है रहा। और सही से अबुल आलिया से नकल किया है अलाम अबी कशीर ने कि माशा एक बालिश की नाक थी एक बालिश की नाक थी तो पुराने ज़माने के अंदर लोगों का कद्दो कामत ऊंचा होता था बॉडी लंबी चौड़ी होती थी का नाक एक बालिश की थी बहरहाल उम्मत को फितने से बचाया ये सारी कुछ चीज़ें ये बता रही हैं कि आसार का ततव सालीन कहाँ बैठे उलमा कहाँ बैठे कहाँ दर्श दिया कहाँ कौन दफन है कहाँ किसने नमाज पढ़ी कहाँ किसने दर्स दिया ऐसे मकामा के पीछे लोग भाग रहे हैं को तुर पर भाग रहे हैं हैंड़े हिरा में भाग रहे हैं यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं उसको छू छू करके चूम रहे हैं चाट रहे हैं उस पर सजदा करें लाला किसी भी ऐसे मकाम का कस करना तवरुक के लिए खैर के लिए ब के लिए जिसकी शरीय हैसियत साबित नहीं है और शरीय ने उसको मुतबरक मकाम करार नहीं दिया है उसके लिए कोई दलील नहीं है हकीकत यह कि ऐसी जगह पर जाना गल्लू करना है अपने ईमान को जया और बर्बाद करना सालेहीन से मोहब्बत होनी चाहिए ईमान का जज् लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए ईमानो अमल के लिहाजान की तरफ जिस अमल साले की तरफ उन्होंने बुलाया है। जिस खैर के इल्म की तरफ उन्होंने बुलाया है उसकी पैरवी की जाए और उनकी बातें मानी जाएं जो कुरान और सन्नत के मुताबिक हो उनके लिए दुआ रहमत मफरत की जाए न यह कि उनके आसार और तवजात को चूमा जाए पेशानी झुकाई जाए उनके खाक को उनके कदमों के नीचे की खाक को सुरमा बनाया जाए वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें ही इंसान को यही सब गलू इंसान को रफ्ता रफ्ता शिर की तरफ ले जाता है वलया सी मैंने इस मौजू के शुरू में जो सुर नजम की मशहूर आयत पढ़ी थी अफरातम्लात वलुजा उसमें लात के तल्ल से ये बात बाबोन तबर्र का बजरिन के तहत बात आ चुकी है कि यह लात नाम का शख्स या एक शख्स था उसका कोई भी नाम रहा हो लेकिन यह साना करता था हाजियों के लिए अलामा मुजाहिद का कौन नकल किया है इब्ने जरीर तबरीने अपनी सनत से सुफियान से सुफियान सौरी रहमत ला और उन्होंने मंसूर से और उन्होंने मुजाहिद से कि यह लात काना यलुत्त सत्तू सत्तुसाना करता था फमाता तो आकाफू अला ख़बरी जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी खबर पर मुजावरी शुरू कर दी एहतिकाफ़ किया वो तो आदमी नेक था सत्तू शांतता था हजरत अब्जुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि घी में शांत था और उसके सत्तू को जो खाता था वो मोटा ताज़ा हो जाता था तो बहुत बुजुर्ग आदमी है हाजियों की खिदमत करता है लिहाजा उसकी खबर बना दी ढंग से पुख्ता कर दी उस पर उस पत्थर को भी डाल दिया फिर उस पर तामीर भी कर दिया होगा पर्दे वगैरह लटका दी मुजावरीन वहाँ बैठ गए अब नदरियाज का दौर शुरू हुआ प्रशिश कब्र की शुरू हुई और इस तरीके से फिर तोहफे तहैफ जो वहाँ मुजावरीन बैठते थे उनको तोहफे तहेब भी मिलने लगे तो ये उस आदमी की शख्सियत में गुलू करने उसकी कब्र में गलू करने के नतीजे में ये नहीं है कि सिर्फ उन लोगों ने पत्थर पूजा कब्र को पूजा और उस कब्र के ऊपर पत्थर भी डाल दिया होगा ये तत्व की शक्ल है पत्थर पूजा उस पत्थर को भी जिस पर साना था और फिर उस खबर को भी जो उनकी खबर थी साहिब कब्र से अकीदत होती है उसके जिम्मे में पत्थर से भी अकीदत हो गई कि इस पत्थर पर वो साना करते थे और फिर उसका नाम उस बुद्ध का नाम रख दिया लात के अल्लाह का मोहल्ले से नाम रख लिया तो बहरहाल ये जो कुछ हुआ लात के साथ वो मुबालगे के नतीजे में कब्र से मुबालगे के नतीजे में हुआ कब्र से गुलू के नतीजे में हुआ और वह कबर बुत बन गई अबुलजाजा ने भी अपने अब्बास रजी आल् से नकल किया है कि काना यू सवीक लाज के लिए वो सत्तोसाना करता था और इसकी वजह से उसकी परस्ती शुरू हो गई तो कब्र की अगर परसिश हो उस पर नजरों न्याज चढ़ाई जाए उसको सजाया बनाया जाए और वहाँ लोग अपनी मन्नत और समाजें पेश करें तो ये गोया कि वो बुत है चाहे आप उसको नाम दो या ना दो ये इस्लाम की ग़ुर्बत का ज़माना है इस्लाम अजनबी है खुद मुसलमानों के दरमियान अगर आप उनको कहिए कि यह पूछी जाने वाली खबर बुत है घबराएँगे परेशान होंगे आप इसको बुत कह रहे हैं बुत तो वो होता है जो किसी की सूरत पर तराशा गया होता है नबी साहब ने फरमाया है कि मेरी कब्र को बुत न बनाओ वसन न बनाओ ये हम थोड़ी कह रहे हैं अगर नबी साहब की खबर भी पूजी जाए तो वो वसन है बुत है मगर आज शिरक और कुफ़र का फितना इतना बढ़ गया है हमें कि छोटा सगीर कबीर हो रहा है और बड़ा बूढ़ा हो रहा है अल्लाह शिर्क के फितरों से बचाए और गुलू से बचाए क्योंकि गुलू ही शिर्क का ज़रिया है सल अल्ला मोहम्मद वल व